ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी डेकोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कामेश्वर नगर दरभंगा से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमए, एमकॉम अदरवाइज कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के पश्चात आपको मिलता है ग्रेड कार्ड, ठीक है। तो ग्रेड कार्ड आप जब ले लेते हैं तो ग्रेड कार्ड लेने के बाद आपको ओरिजिनल और भी सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल हो गया, माइग्रेशन हो गया, डीओपी हो गया, डीएलसी हो गया, ठीक है। तो ये जो सारा सर्टिफिकेट आपको मिलता है ये ग्रेड कार्ड लेने के बाद ही मिलता है। तो अगर आप ग्रेड कार्ड ले चुके हैं तो ये सारा सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी जानकारी बताएंगे। किस काउंटर पर आपको जाना होगा, कैसे आपको क्या करना होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। जैसे कि ये जिसने डीओपी है, यहाँ पर आपको डीएलसी दिखाता हूँ, ये डीएलसी है, उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ, ये प्रोविजनल है, आप यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये माइग्रेशन है, ठीक है। तो मैं ये चार सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, मेरे को एक बच गया था यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो डिग्री सर्टिफिकेट मुझे क्यों नहीं मिला, तो डिग्री सर्टिफिकेट एक साल के बाद मिलता है। तो जैसे ही डिग्री सर्टिफिकेट एक साल के बाद मिलेगा तो उस पर भी मैं पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो में जान जाइए कि आपको ये चार सर्टिफिकेट जो मिलता है, प्रोविजनल, माइग्रेशन, डीओपी और डीएलसी, ये आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप चलान कटवाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रूफ फोटो और वीडियो के साथ बताएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो पहले आप यहाँ पर ये देखिए, इसके नीचे निर्देश दिया गया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आवेदन के साथ अपना अंक, यानी आपका जो मार्कशीट हो गया वो हो गया, जिसको आप ग्रेड कार्ड बोलते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद अंतिम वर्ष का प्रवेश पत्र, जैसे मैं बीए कर रहा था तो मेरा पार्ट 3 का एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद तथा ऑनलाइन चलान की इच्छा पड़ती, तो ऑनलाइन चलान ये हो गया, आप यहाँ पर देखते हैं मैंने ऑनलाइन चलान कटवाया, किस शॉप से कटवाया वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स बताया गया था, चौथा डॉक्यूमेंट्स आपका ये लगता है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये तो दोनों आपके पास होगा, एक ग्रेड कार्ड हो गया और दूसरा आपका जो लास्ट ईयर का यानी फाइनल ईयर का आपका एडमिट कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, इसको आप साइड रख लीजिए, दो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रहेगा। तीसरा आपका होगा ये वाला फॉर्मेट, तो ये वाला फॉर्मेट जहां से आप सलान कटवाएंगे वहां से भी आपको मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता है तो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो पहले आप इसको सीख लीजिए भरना कैसे है। तो यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में अपना नाम भरेंगे, जिस तरह से आपके आधार कार्ड में है, आवेदक का नाम अंग्रेजी में भरेंगे, सही सही स्पेलिंग भरेंगे, मिस्टेक करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट पे गलती ही भर के आ जाएगा। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम अंग्रेजी में, आवेदक के माता का नाम अंग्रेजी में, वर्तमान पता जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है भर देंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देंगे, मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, मिस्टेक हो गया, ठीक है, आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए विषय स्नातक, प्रतिष्ठा स्नातक अन्य, ठीक है। तो मैं जो था वो बीए पोल साइंस का छात्र था, जैसे ग्रेजुएशन में कर रहा था तो बीए पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स पेपर था, तो उसके अनुसार जो भी आपका कोर्स होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे और कौन सा ऑनर्स पेपर है वो भर देंगे, ठीक है। और आपका जून दिसंबर कौन सा सेशन में आपका परीक्षा होता था वो आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा प्रकाशन का वर्ष, यानी आपका रिजल्ट कब प्रकाशन हुआ फाइनल ईयर का, वो ईयर आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद अध्ययन केंद्र, आपका एडमिशन कहाँ था जिससे आप ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस कॉलेज का नाम भरेंगे, मेरे कॉलेज का नाम था आरसीएस कॉलेज मंझौल बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे और जिस दिन ये आप चलान कटवाने के लिए जाएंगे साइबर कैप में, उस दिन का आप यहाँ पे डेट भर देंगे। बाकी आपको यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, अंक प्रमाण पत्र, अंतिम वर्ष का प्रवेश पत्र, अंतिम वर्ष का पर्चा पत्र आपको साथ ले जाना है, जो भी पर्चा पत्र आपको यहाँ पर मिला था मतलब एडमिशन लेने के पश्चात वो लेंगे, या फिर अपना ओरिजिनल जो है आधार कार्ड ले लेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपका ये हो गया चलान, तो चलिए हम आपको बताते हैं चलान कैसे कटाएंगे। चलान कटवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा शॉप पे, तो शॉप का एड्रेस क्या होगा पहले आप ये जान लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगा इस पेज का, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस एड्रेस पर जाएंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी देवनी रोड दरभंगा बिहार, इस तरह से
इस वाले एड्रेस पे आप जाएंगे, उसी के नियर में साइबर कैफ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप उस एड्रेस पे आएंगे तो आपको एक यहाँ पर मिलेगा श्यामा इंटरनेट फोटो स्टेट, तो आपको यहाँ पर टारगेट करना है, इस लोकेशन पे आना है। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके ठीक आगे आपका जो है वो यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये इमेज आपको देखिए, आपको मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो करके, तो आपको क्लीन लिखा देगा। आप यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। और साइबर कैफ का शॉप कहाँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मतलब यूनिवर्सिटी का गेट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इस गेट के अंदर आप जाएंगे, किस काउंटर पर जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं आपको साइबर कैफ दिखाता हूँ जहाँ पर आपका चलान कटेगा। ये रहा उसका साइबर कैफ का एड्रेस, आप यहाँ पर देख लीजिए। जब आप यूनिवर्सिटी के गेट पर दक्षिण तरफ देखेंगे तो ये वाला आपको शॉप मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैंने पूरा वीडियो किया, आप यहाँ पर देखते हैं माँ इंटरनेट फोटो स्टेट। तो आपको ये वाला यहाँ पर भी शॉप है और यहाँ पर भी शॉप है, तो इस वाले शॉप में आपको जाना है, ठीक है, माँ इंटरनेट, ठीक है। ये उसका क्लीन फोटो है, आप यहाँ पर देख लीजिए माँ इंटरनेट। इसमें आपको जाना है चलान कटवाने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना बहुत ही कठिन होता है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे ही आप उस साइबर कैप में इन करेंगे तो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट दिया जाएगा, इसमें आपको फिल करना है। क्या फिल करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए, पेमेंट मोड कैश ऑनलाइन, आप जो पेमेंट करेंगे चलान के लिए वो कैश देंगे या ऑनलाइन वो यहाँ पे टिक कर लेंगे। स्टूडेंट का नाम भरेंगे, स्टूडेंट का पिताजी का नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, मोबाइल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर आपके मार्कशीट पर मिलेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको वो बता देता हूँ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए अगला आपका है कोर्स नेम, आपका कौन सा कोर्स था, मेरा पोल साइंस था बीए का, वो मैंने भर दिया। सेशन आपको भरना है दिसंबर या जून जो भी है, सेशन ईयर आपका कौन सा है, तो मेरा 18 से 21 था, मैंने भर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट क्राइटेरिया क्या है, जनरल ईबीसी, उसके उस पर आपको टिक कर देना इस तरीके से, ठीक है। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है टिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ओडी, पीसी, माइग्रेशन, डीएलसी और डीओपी, ये सारा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो इसको आप इस तरीके से भरेंगे। जब उसे भर लेंगे तो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट मिलेगा, इसको भी आपको भर लेना है। कैसे भरना है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं, अब आगे आपको वो साइबर कैब वाला ये भरा हुआ जो होगा वो ये और ये तीन और ये, ठीक है, ये वाला, ये चारों ले लेंगे, आपको ऑनलाइन करके चलान काट के देंगे, ठीक है। चारों जमा लेने के बाद कुछ देर में आपको ये चलान काट के देंगे, ठीक है। और चलान काट के देने के पश्चात क्या करेंगे, वो इसका चार कॉपी, इसका चार कॉपी, इसका चार कॉपी और इसका चार कॉपी फोटो कॉपी करके चार को अलग, मतलब चारों को अलग अलग पिनअप करेंगे। जैसे चार इधर हो गया, फिर चार को अलग पिनअप करेंगे, फिर चार को अलग पिनअप करेंगे। उसके बाद उस पर वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो चलान बैंक ड्राफ्ट नंबर है वही भरते हैं, शुल्क की राशि वही भरते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ओडी भरेंगे और दूसरा जो होगा चार कॉपी उसमें डीओपी भरेंगे, और दूसरा जो चार कॉपी होगा उसमें माइग्रेशन भरेंगे, फिर दूसरा होगा उसमें जो होगा ये क्या कहते हैं प्रोविजनल भरेंगे। तो इस तरीके से चार नहीं सर तो पाँच कॉपी शायद होता है, वो पाँच कॉपी करवाएंगे और पाँचों कॉपी को आपको एक साथ फिर क्या करेंगे, जैसे कि ये चार कॉपी हो गया इधर, फिर चार कॉपी इधर से लाएंगे, फिर से चार कॉपी इधर आएंगे, तो सॉरी दोस्तों चार चार कॉपी का पांच बंडल होगा, ठीक है। आप पांचों को एक साथ पिनअप करेंगे और आपको दे देंगे, और आप क्या करेंगे कहां पे जमा करेंगे वो देख लीजिए। उसके बाद जो आपको ये बंडल मिलेगा चार या पांच कॉपी का, मुझे उतना ध्यान नहीं है, चार या पाँच होगा, ठीक है। तो वो बंडल लेके आप इस लोकेशन पे आएंगे, ठीक है। ये लोकेशन है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर का। तो इसमें जब आप इन करेंगे तो यहाँ पर एक खिड़की का काउंटर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा। यहाँ पे इस काउंटर पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, और जमा करने के बाद आपको इस तरह का रसीद काट के दिया जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें आपको ये लिखा रहेगा ओडी, पीसी, एमजी, माइग्रेशन, डीओपी और डीएलसी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, इसे आप रख लेंगे। जमा करने का टाइम आपका 10:25 से जमा होता है सुबह से, ठीक है। उसके बाद 4 बजे से क्या होगा, इसी रिसीविंग को आप ले जाएंगे इसी वाले लोकेशन पर, ये जो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर खिड़की है, ठीक है,
यहाँ पे जाएंगे, आपको वो लोग नाम पुकारेंगे और नाम पुकारने के पश्चात जैसे कि अगर माइग्रेशन वितरण हो रहा है तो माइग्रेशन का वितरण करेंगे और बोलेंगे आपका नाम और जो है इनरोलमेंट नंबर वो बोल सकते हैं कोई एक बोलेंगे और आप ये पर्ची देंगे, आपको माइग्रेशन मिलेगा और इस पर ये वो लोग घस देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ओडी जो होगा आपका मूल प्रमाण पत्र वो 1 साल बाद मिलता है, इसलिए इसमें नहीं घसा गया, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने का। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है वो आप इजीली पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो की उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी।